इबलीस से कहलवाता है, अलहजर आईने पैगंबर से 100 बार अलहजर, हाफिजे नामूस जन मर्द आजमा मर्द आफरीन, मौत का पैगाम हर नौए गुलामी के लिए, नए कोई फगफूर खाका नए गदाए रहनशीन, फगफूर खाका नए गदाए रहनशीन। इससे बढ़कर और क्या फिक्र व अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये जमीन, करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक व साफ, और मुनिमों को मालो दौलत का बनाता है अमीन। उसी नज़म में इबलीस अपने जो हवारी हैं उन्हें कहता है, निजाम कोहना के पास मानो ये मारज़ इनकलाब में है, होश में आओ, अपने उस निजाम की हिफाजत करो, देयर इज अ थ्रेट टू योर सिस्टम विल बी ओवरटर्न्ड, और जब निजाम बदल जाएगा तो तुम्हारे मफादात कहां रह जाएंगे। गर्ड अप योर लॉइंस, जॉइन हैंड्स, हिम्मतों को जमा करो, इस इनकलाबी आंधी का मुकाबला करो। ये वजह है, नोट कीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की आंखों का तारा थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको असादिक और अलमीन किसने कहा था, कुरैश ने। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ वाज कहते रहते तो इतनी मुखालफत ना होती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वाइज ना समझना, मैं अदल कायम करने आया हूं, फले जाले का फदो वस्तकिम कमा उमिरता वला तत्तब अहवाहुम वकुल आमंतु बिमा अंजलल्लाहु मिन किताबिन वउमिरतु लिअदला बैनकुम। मैं जुल्म का खात्मा करने आया हूं, अदल को कायम करने आया हूं।